खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक व संगठनकर्ता के रूप में भारतीय दर्शन के एकात्म मानवतावाद के सिद्धांत को अस्तित्व में लाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती हाटपिपिया नगर के सभी 15 वार्डों में देवास महाराज विक्रम सिंह पवार के मुख्य आतिथ्य में मनाई गई। इसी कड़ी में महाराज विक्रम सिंह पवार वार्ड नंबर 9 में पधारे, जहां अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण के पश्चात पंडित जी के जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी अतिथियों का स्वागत वार्ड 9 के शुभम तवर ने किया। मुख्य अतिथि विक्रम सिंह पवार ने इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के माध्यम से हमें नगर के सभी वार्डों में पहुंचना है और आने वाले उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार मानते हुए कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए आज हमने नगर का दौरा किया है। कार्यक्रम का संचालन भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष बलवान सिंह उदावत ने किया व आभार वार्ड 9 के समस्त लोगों की ओर से शुभम तवर ने व्यक्त किया। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के मूल पुरुषों में से एक मूल पुरुष ऐसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कहीं ना कहीं हमें हर एक वार्ड, हर एक गली, घर घर तक पहुंचना है। हमारी कुछ सामग्री वितरण है, आगे उपचुनाव के निर्देश हैं जो हमें कार्यकर्ताओं तक ग्राउंड लेवल पे घर घर जाके पहुंचाना है और निश्चित रूप से आगे आने वाले उपचुनाव की तैयारी पे। सर, आप इस उपचुनाव में जो प्रभार दिया गया है आपके परिवार को और जो जिम्मेदारी दी है, उसकी तैयारी किस हिसाब से देखते हैं आप, आपकी ओर से? ये तैयारी अभी चालू करी है। निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ताओं और पूरी टीम का योगदान इसमें रहेगा। प्रभारी जरूर राजमाता साहब को बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, कार्यकर्ताओं का परिवार बहुत बड़ा है और सारे कार्यकर्ता हृदय से कंधा मिला के इस युद्ध में, इस चुनाव में फील्ड में उतरेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वो बहुमत अच्छी बहुमत है। हार्ट पीपलिया से शाकिर मंसूरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।